हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे रेंज का एक अलग मेथड। तो हम उसका नाम लिख लेते हैं पहले, फाइंडिंग रेंज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसमें हम एक दो एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे इसको, और बहुत आसान भी है, ठीक है ना, और बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इसमें बिलोंग करेंगे। तो मैं पहला एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इसमें। एग्जांपल है मेरा, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइंड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे एक एक्सप्रेशन दिया है, 7x - 8y +3। एक इसका रेंज निकालना है और एक रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई में, इफ x² + y² = 1। ठीक है, और ये बोल रखा है। ठीक है, चलो अब पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो मुझे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पता था, अगर मान लो जनरल प्रोसीजर बोलूं तो प्रोसीजर क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो देखना, अगर मान लो मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं क्लिक कर रहा था, एक जनरल हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा कि हम जो हमारा जिस एक्सप्रेशन की मुझे रेंज निकालना है, अभी वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल का फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरा फंक्शन हमने अभी देखे उसमें क्या होता है, एक्स का फंक्शन लिखा होता है वाई, मतलब एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अभी अब आगे चल के हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने वाई उठा के इधर रख दिया, तो मेरा ये x का फंक्शन आ जाएगा, तब फिर मैं उसमें देखूंगा कि कैसे कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है। बट इधर मेरे को सबसे बिगेस्ट हिंट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, दिस इज द बिगेस्ट हिंट। ये हिंट कैसे मिलेगी, देखो अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो मैं इसको देख के, हमें क्या याद आ जाना चाहिए, सर्कल चैप्टर में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, x = r cos θ, दैट इज 1 cos θ, एंड y = r sin θ, 1 sin θ। देखो ये ट्रू है, इसका मतलब हम ये रख सकते हैं x और y का वैल्यू, क्योंकि x और अगर x cos theta एंड y sin theta है तो ये रिलेशन होल्ड हो रहा है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज इसमें रख दूंगा, तो मेरा जिस फंक्शन की मुझे रेंज निकालना है, जिस एक्सप्रेशन की रेंज निकालना है, वो मेरा क्या हो जाएगा, थीटा का फंक्शन आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल थीटा। मुझे चाहिए क्या था, वैसे भी देखो हमने इससे पहले क्या किया था, इधर से वाई उठा के इधर रखने वाले थे, तब हमें ये एक्स का फंक्शन मिल रहा था, बट उसमें क्या होगा ना दिक्कत कि अंडर रूट वगैरह आ जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा थोड़ा सा डील करना मुश्किल हो जाएगा। उससे बेटर क्या है कि अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचें, तो पैरामेट्रिक में क्या देखा, इसको देख के मेरे को दिमाग में आता है कि x = cos θ एंड y = sin θ। फिर मैं ये वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है दिस, तो लेट्स से मैं इसको, ये मेरा थीटा का फंक्शन बन जाएगा, एफ ऑफ थीटा क्या जाएगा, 7 × x, x = cos θ - 8y = sin θ + 3। अब मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, और थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, क्योंकि थीटा पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे इधर x और y पे कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है बच्चों, तो सुनना, अब इसकी रेंज तो मैंने हमने अभी देखी थी, a sin θ + b cos θ टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसकी रेंज क्या होती है, जब अगर पहली बात इसमें क्या देखते हैं हम, आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, विच इज सेम, इधर भी कॉस का आर्ग्यूमेंट भी थीटा है, साइन का आर्ग्यूमेंट भी थीटा है, प्लस हमारा थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब कर्टेल नहीं किया है डोमेन, तो मैं क्या बोलूंगा, इतने एक्सप्रेशन का देखना, इतने एक्सप्रेशन का रेंज क्या हो जाएगा, -√7² + 8² से +√7² + 8² ये मेरा हो गया इतने वाले एक्सप्रेशन का रेंज। बट 3 भी ऐड करना है, तो मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, देखो बच्चों फाइनल आंसर इज 3 - √ चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, 7² = 49 + 8² = 64, तो 1 3 10 1 1 113 113, और ये हो जाएगा कॉमा 3 + √113। So this is my final answer. So देखो काफी आसान हो गया trigonometric substitution से। तो मैंने क्या बोला, ये method अगर exam में आता है इस type का question, तो बहुत easy है। कब होगा easy, जब हमें इससे पहले हमने इसका related कुछ पढ़ा हो, या फिर मतलब इससे related question किया हो, तब ये बहुत आसान हो गया। अगर मान लो तुम्हें trigonometric substitution नहीं पता होता, तब ये question बहुत hard हो जाता। बट अगर हमें पता है trigonometric substitution, तो फिर ये बहुत आसान हो गया। हिंट कैसे लगेगा, इस इक्वेशन को देख के, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके लिए मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट्स पता है।
क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसी कैटेगरी पे हम पे ऊपर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम नया चीज देखेंगे। तो मैं पहले इसको रब कर देता हूं और एक क्वेश्चन लिखता हूं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना बच्चों, वही फाइंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन 2t प्लस 7z प्लस 3, और t और z में एक रिलेशन दे रखा है t स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो अगेन क्या करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सीखने मिलेगा एज कम्पेयर टू डायरेक्टली वॉचिंग द सोल्यूशन। तो मैं अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो देखो, उधर तो मेरा बहुत सिंपल था, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा था, तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स पता था मुझे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब ये इक्वेशन पहचानो क्या है, ये भी जानी पहचानी बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। वीडियो पॉज करो और सोचो इसके लिए क्या होता है। ध्यान से देखोगे, अगर मैं 16 को इधर लेके आऊंगा तब ये स्टैंडर्ड एलएलसीएम कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 16 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो टी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9z स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। अगर मान लो तुम्हें इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है तो मैं ऐसे भी सोच सकते हो। देखो, मैंने लिखा इसको टी बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3z बाय 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो जो पहला समथिंग है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा, और जो दूसरा समथिंग है उसको मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होल्ड करेगा। तो मैं इधर से क्या, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा, टी बाय 4 is equal to let's say cos theta, तो इधर से आया मेरा t is equal to 4 cos theta, एक तो ये आया, और इधर से मेरा आएगा 3 by 4 into z is equal to sin theta, तो मेरा इधर से z आ जाएगा 4 sin theta by 3। तुम ellipse मान के करते तब भी यही आता। ellipse में क्या होता है, a cos theta, तो a क्या होता, 4, इधर 4 का स्क्वायर लिखा है, और b sin theta, b क्या होता, इस 9 को 16 के नीचे लेके आते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 4 by 3 का स्क्वायर, तो 4 by 3 मतलब b sin theta। या तो सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या एलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा t और z आ गया थीटा के टर्म्स में, और जो मुझे एक्सप्रेशन जिसके रेंज निकालना है वो t और z का फंक्शन है, तो मैं t और z को थीटा के टर्म्स में रख देता हूँ। उससे क्या होगा, जो एक्सप्रेशन जिसका रेंज मुझे निकालना है वो सिंगल वेरिएबल थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, तो रख देते हैं। तो क्या होगा हमारा 2t, तो 2t क्या हो जाएगा, 8 cos theta प्लस 7z, तो 7 4 28 by 3 sin theta प्लस 3। अब तो बहुत हल्का हो गया ये क्वेश्चन, अब तो अगर अपन पूरा आंसर निकालना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप का आ रहा है, तो थोड़ा आंसर बहुत बल्कि टाइप का आएगा। बट अब समझ तो गए होगे यहाँ से क्या करना है, हमें क्या करना है, माइनस टाइम्स, पहले तो 3, देखो मैं चलिए लिख ही देता हूँ, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 28 by 3 का स्क्वायर, इधर से लेके कॉमा 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 28 by 3 का स्क्वायर, दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस। तो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कितना हल्का हो गया क्वेश्चन। अगर मान लो तुम्हें नहीं पता होता, अगेन क्या करते तुम लोग, ये टी या जेड को इधर से कोई भी एक वेरिएबल को उठा के इधर रख दे, तो पहली बात तो इधर अंडर रूट आता, बहुत दिक्कत होती सॉल्व करने में, ठीक है? बट ये इससे हमारा कुछ कितने ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, इसमें मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है? चलो अब हम एक नया चीज देखते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखना, एक नोट करके ये, और उस नोट के ऊपर हम एक दो इलस्ट्रेशंस लेंगे, है वो रेंज रेंज का ही पार्ट, मतलब उसे डिफरेंट मेथड तो नहीं बोलूंगा मैं, बट रेंज का एक पार्ट है। क्या है देखना, एक पहले नोट लिखवा रहा हूं मैं, नोट इज, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है एच ऑफ एक्स, किसी दो फंक्शन का एडिशन लिखा है, लेट्स से f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब ये नोट क्या बोल रहा है कि जो एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, लेट्स से इसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स का मैक्सिमम प्लस जी एक्स का मैक्सिमम। पहले सोचो क्यों, मैंने बोला जो फंक्शन है वो एडिशन ऑफ टू फंक्शन है, तो ये वो क्या बोल रहा है कि जो एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, दैट इज नॉट एफ एक्स का मैक्स प्लस जी एक्स का मैक्स। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट्स से दिस इज माय एच ऑफ एक्स, ये मेरा एफ है, ये मेरा जी है, तो मुझे पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज कितना होता है, इसी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 2 से रूट 2,
तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, रूट टू। बट अगर मान लो तुमने ये लगाया तो साइन एक्स का मैक्सिमम कितना होता है, वन, कॉस एक्स का वन, तो एडिशन कितना आया, टू, इधर टू आ रहा है, इधर रूट टू ही आ रहा है, तो यू कैन सी बोथ आर नॉट इक्वल। तो हम ऐसे कभी नहीं करेंगे क्या, हम ऐसे अगर ऐसा कर रहे होते तो बहुत ही चीजें आसान हो जाती। आसान कैसे हो जाती, जैसे मान लो नंबर ऑफ फंक्शन लिखे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कुछ भी, जैसे साइन इनवर्स एक्स वगैरह, दिस इज माई लेट्स एफ एक्स। अगर ऐसा ट्रू होता है, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती, तो हम क्या करते, टुकड़ों में ब्रेक कर लेते, इसकी मैक्सिमम निकाल लेते, इसकी मैक्सिमम निकाल लेते, इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्सिमम, सबको ऐड कर देते, बहुत आसान हो जाती चीजें, ठीक है। बट ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, अब आता है बात, करेंगे कब ऐसा, कर कब सकते हैं, मतलब इन जनरल तो नहीं करेंगे, करेंगे कब, सुनना ध्यान से। मैक्सिमम निकाल रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम जब ट्रू होगा, जब हमें एफ एक्स और जी एक्स की दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम एक्स पे मिले। क्या लिख रहा हूं मैं, चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको, मैं तुम लोग इसको कॉपी कर लो जो मैंने एग्जांपल लिखा है इधर, इस वाला एग्जांपल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ट्रू कब होगा, दिस विल बी ट्रू, जैसे ये तो मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स मैक्स प्लस जी एक्स मैक्स, कब होगा, इफ मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स अकर्स अकर्स एट सेम एक्स। समझ में आया क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला x इज इक्वल टू एक्स वन पे इसकी मैक्सिमम आ रही है, इसकी मैक्सिमम आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, x1 के लिए एच एक्स का मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर है, इन जनरल हम नहीं बोलेंगे, इन जनरल मैं नहीं बोलूंगा कि एफ एक्स मैक्स प्लस जी एक्स मैक्स इज एच एक्स मैक्स, नहीं, मैंने एग्जाम्पल बताया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। समझ में आया। अच्छा, सेम चीज मिनिमम के लिए अप्लाई होती है। मैंने चलो इधर लिख लेता हूँ कि एच एक्स जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू, इन जनरल इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स की मिनिमम प्लस जी एक्स की मिनिमम, इन जनरल इट इज नॉट इक्वल, बट इक्वल कब होगी, वेन मिनिमम वैल्यू ऑफ, लिख लो तुम लोग, वेन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स अकर्स एट सेम एक्स, जब दोनों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू सेम एक्स पे आएगी, तब हम बोलेंगे कि एच एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू का एडिशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। चलो अब हम इसके बेसिस पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। एग्जांपल है, चलो मैक्सिमम रेंज के अलावा मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करो तुम लोग, पहला काम तुम लोग क्या करोगे कि पहले खुद से ट्राई करो विदाउट यूजिंग दिस मेथड जो मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि एफ मैक्स इज मैक्सिमम ऑफ दिस प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस इफ दे आर एट द सेम एक्स, वो छोड़ के अभी जितने भी हमने रेंज के मेथड लगाए हर एक को इस पे ट्राई करो, मतलब सोचो कि वो ये उस तरीके से हो सकता है या नहीं, ठीक है ना। और अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताना सोल्यूशन, ठीक है। मैं इसको इसी मेथड से डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया, ठीक है। क्या है वो मेथड, चलो देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स को दो फंक्शन में ब्रेक करा, एक तो कॉस एक्स विच इज लेट्स से मैं इसको जी बोल रहा हूँ, और एक मैं ले रहा हूँ इसको ऐसे लिख रहा हूँ प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं एच बोल रहा हूँ। अब देखना जो एफ है दैट इज एडिशन ऑफ टू फंक्शन जी एंड एच, तो देखना एफ क्या है मेरा, एफ एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मैं दोनों की मैक्सिमम वैल्यू देख लेता हूँ, तो देखना अगर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम एक्स पे मिली तो उसी एक्स पे मुझे एफ एक्स का मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर है, तो देखना मैंने बोला पहले मैं जी एक्स पे देख लेता हूँ, तो जी एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो रिपीट करता है हर बार, ये ऐसे रिपीट करता रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, जीरो पे, फिर टू पाई पे एंड सो ऑन। तो अब जीरो पे देखा कि जीरो पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा टू पाई एंड सो ऑन। अब हम एच एक्स के बारे में देख लेते हैं, तो एच एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारा पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर उसको उल्टा कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा,
वैसे भी हम पढ़ते हैं पैराबोला चैप्टर में, वाई स्क्वायर इजिकल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस फोर बी बाय, वही वाली चीज है। तो ये पैराबोला है। तो अब क्या हुआ, लकीली एक्स इजिकल टू जीरो पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है विच इज जीरो। बाकी एक्स पे तो देखोगे तुम वाई नीचे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। एक्स इजिकल टू जीरो पे वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम एट एक्स इजिकल टू जीरो। क्या हुआ, लकीली जी एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू एक्स इजिकल टू जीरो पे आई, एच एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी एक्स इजिकल टू जीरो पे आई, हेंस एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब देख लेते हैं इस पे जीरो पे कितनी है, वन, और इसकी कितनी है जीरो, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, सो वन इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों कैसे किया हमने? तो हमें क्या देखना है कि जो हम देख रहे हैं ना इंडिविजुअल ब्रेक कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम इस टाइप से ब्रेक करेंगे कि जो इंडिविजुअल फंक्शंस आए ना हमारे पास, उन सभी फंक्शंस की मैक्सिमा या मिनिमम जो भी पूछा है वो सेम एक्स पे आना चाहिए, इतना दिमाग में रखा। ठीक है, चलो फिर अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसका सॉल्यूशन कॉपी करो, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। देखना, मैंने लिखा हमें इसमें रेंज ही निकालना है, फाइंड रेंज, और एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस एट साइन। देखो ये थोड़ा सा इसलिए हार्ड माना जाएगा ये, क्योंकि हमें फंक्शंस को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी कि हम किस में ब्रेक करें, इतना ही बस मेन टास्क होगा। एक बार वो पता चल गया फिर आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब मैंने देखो सेवन तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब इसको तो हम आखिरी में डील कर सकते हैं, मतलब ग्राफ को हम सेवन यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो इस सेवन से तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेन अब हम आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट साइन पाई बाय टू एक्स, इस पे आया मैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। सुनना देखो, अब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पहले निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट आई विल फाइंड दिस मिनिमम वैल्यू। अच्छा आप सुनना, लेट्स से मुझे पहले मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैंने ये देखा कि इसकी मिनिमम और इस ये दो फंक्शन में मैंने ब्रेक किया, इसमें और इसमें, फिर देखा कि इन दोनों की मिनिमम वैल्यू सेम एक्स पे आ रही है। अगर इन दोनों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू सेम एक्स पे आ रही है तो उसी एक्स पे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब इसकी मिनिमम प्लस इसकी मिनिमम इज एफ एक्स की मिनिमम। तो देख लेते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है, इसके रूट्स क्या है, जीरो एंड सिक्स। तो वर्टेक्स कहाँ आएगा हमारा, एक्स इजिकल टू थ्री पे, एक्स इजिकल टू थ्री पे, और एक्स इजिकल टू थ्री पे वर्टेक्स आएगा, मतलब एक्स इजिकल टू थ्री पे मिनिमम वैल्यू आएगी। और वैल्यू क्या आएगी, इसमें थ्री रखो तो थ्री माइनस, एक मिनट, एक्स इजिकल टू जीरो और सिक्स, ठीक है, हाँ थ्री रखो तो थ्री माइनस एटीन माइनस फिफ्टीन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आई थ्री पे विच इज माइनस फिफ्टीन। अब इसकी देख लेते हैं। अब सुनना, एट का तो कोई फर्क नहीं, एट तो बाहर है हमारा, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट है, फोकस ऑन साइन ऑफ पाई बाई टू एक्स। अब दिख रहा है कि अगर मैंने, मुझे पता है साइन एक्स, साइन ऑफ पाई बाई टू एक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम कब आएगी, सॉरी मिनिमम कितनी आएगी, वो आएगी माइनस वन, साइन थीटा की माइनस वन होती है। अच्छा अब वो माइनस वन कब आएगी वो देख लेते हैं हम। अगर वो थ्री पे आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैंने इधर एक्स इजिकल टू थ्री रख के देखा, तो साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू विच इज नथिंग बट माइनस वन। तो क्या हुआ हमारा, थ्री पे इस पैराबोला की भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, थ्री पे जो सेकंड वाला फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो अब मेरा एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी एफ ऑफ थ्री। और एफ ऑफ थ्री क्या होगा, एक तो ये इसमें रखेंगे थ्री तो कितना आया माइनस फिफ्टीन, और इसमें रखेंगे तो माइनस वन माइनस एट, तो ओवरऑल आया माइनस ट्वेंटी थ्री। तो दिस इज वॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, अभी इतना, बट अभी सेवन का और पार्ट रोल रह गया। तो अब मैं बोलूंगा सेवन तो ऐड कर देता हूँ इसमें, तो ओवरऑल एफ मिनिमम कितनी हुई, दिस इज नॉट एफ मिनिमम ऑफ एफ एक्स, अब मैं इसमें सेवन ऐड कर रहा हूँ। तुम लोग इसको एफ की जगह एफ वन बोल दो, एक काम करो इसको एफ वन बोल दो, ठीक है ना, और पहला वाला जो इनिशियल फंक्शन है वो एफ है। तो एफ मिनिमम कितना होगा मेरा, माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस सेवन, तो सात इसमें से गए तो माइनस सोलह, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्लियर हुआ बच्चों कैसे किया हमने इसको, दो फंक्शन ब्रेक किया, फिर देखा कि दोनों फंक्शन की मिनिमम आ रही है एक्स इजिकल टू थ्री पे, हेंस एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस सिक्सटीन। बट अभी इसने क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू नहीं बोला था,
इसलिए तो अभी हमारा और भी काम बाकी है, इसलिए पूछा है रेंज निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू से केवल काम नहीं चलेगा, मुझे इसकी रेंज निकालना है। तो क्या करें, आप देखना, अब एनालिसिस और इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा बट लॉजिकल है काफी, सुनना। अब बात यह है, देखो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा। मतलब एक्स, कोई भी एक्स की रियल वैल्यू डालो, कुछ ना कुछ वाई तो मिलेगा ही मुझे, कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा ग्राफ में। दिस विल बी कंटिन्यूस एंड दिस विल बी कंटिन्यूस, तो ओवरऑल एफ एक्स कंटिन्यूस हुआ। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि मेरा एफ तो कंटिन्यूस हुआ, कंटिन्यूस एफ कंटिन्यूस हुआ। अच्छा, और अब मैं एक बार देख लेता हूं इसकी वैल्यू एट इंफिनिटी। देखो ये तो एक पैराबोला है, तो इसकी वैल्यू तो इंफिनिटी पे क्या होगी, प्लस इंफिनिटी। अब और ये जो चीज है 8 sin pi by 2x, x कुछ भी रखूं, ये जो वैल्यू है 8 sin pi by 2x, ये तो माइनस 8 और 8 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा बस। तो इंफिनिटी में प्लस माइनस 8 करने पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एफ मैक्स विल बी इंफिनिटी। और मेरा एफ मिनिमम क्या है, अभी निकाला हमने माइनस 16। अब इन तीनों से अब मैं बोल सकता हूं रेंज, याद है मैंने एक ट्रू फॉल्स और कराया था कल की क्लास में, जिसमें मैंने बोला था एफ मैक्स दिया एफ मिन दिया है, तो रेंज मैं बोल सकता हूं कि माइनस 16 टू इन्फिनिटी। अगर कंटिन्यूस नहीं दिया तो नहीं बोल सकता। फिर मैंने उसमें लिखाया था, अगर मैंने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूस है, तब मैं क्या लिखूंगा, रेंज इज एफ मिन से एफ मैक्स, विच इज हियर इज माइनस 16 टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? तो ये वाला एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। केवल एफ मिनिमम लेके हमको मतलब ये नहीं बोलेंगे कि एफ मिनिमम आ गया तो आंसर आ गया, नहीं नहीं नहीं, हमें एक्चुअली रेंज निकालना है। ठीक है, उसने अगर मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो ये मेरा आंसर होता, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था केवल, उसमें रेंज नहीं पूछा था कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में, बट इसमें उसने मुझे रेंज पूछा है। तो मिनिमम भी निकाला और फिर मैक्सिमम हमने एनालिसिस करके देखा कि हाँ भाई इसका इन्फिनिटी होगा, इसका माइनस 8 और 8 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो एफ मैक्स इज इन्फिनिटी। एफ मिन निकाल ही चुके, फिर इन दोनों के साथ अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो मैं रेंज डायरेक्टली बोलूंगा एफ मिन से एफ मैक्स। क्लियर है बच्चों? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम एक दूसरा मेथड देख रहे हैं जिसका नाम तुम ऑलरेडी मैंने वो तुम लोगों को बहुत डिटेल में सिखाया है, दैट इज AMGM। वो हमने पढ़ा था सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में बिल्कुल आखिरी में, ठीक है, जब हमने पढ़ा था AMGM इनइक्वालिटीज, उसमें वो कवर किया था मैंने, और जो भी मैं आज इलस्ट्रेशन लेने वाला हूँ वो ऑलरेडी तुम्हारे हो चुके हैं, सो इट इज अ शॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। नाउ नेक्स्ट जो भी तुम्हारा 20-30 मिनट्स लगेंगे हमें कंप्लीट करने में लेक्चर, वो तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, दैट विल बी अ रिवीजन फॉर यू नाउ। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करो। तो टॉपिक डाल लो, फाइंडिंग रेंज यूजिंग AMGM, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। एस्केप नहीं करना है, पार्ट पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करूंगा मैं डेफिनेटली कुछ पॉइंट, बट हमारा रिवीजन भी ज्यादा होगा इसमें। तो देख लेते पहले बेसिक पार्ट, AMGM फाइंडिंग रेंज, ऐसे इधर ही लिख लो, चलो फाइंडिंग रेंज यूजिंग AMGM, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, चलो तो इसमें क्या था हमारा कि AM हमेशा GM से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, तो उसको पहले हम प्रूफ देख लेते हैं उसका। क्या किया था हमने, तो देखो मैंने ऐसे लिखा, रूट ए माइनस रूट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर मेरे a और b पॉजिटिव नंबर्स है तो रूट डिफाइन होगा, और अच्छा सॉरी ये स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो a और b अगर रियल नंबर्स है तो रियल नंबर का स्क्वायर विल बी ए नॉन नेगेटिव नंबर, सो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने इसको ओपन किया, तो इधर से आया a प्लस b माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, फिर इधर से आया ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू टाइम्स रूट ए बी, तो ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया उसका, ये ऑलरेडी कराया है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ए एम ऑफ ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज वॉट जी एम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी, बस यही तो हमारा प्रूफ था। ठीक है, अच्छा इसमें याद क्या रखेंगे हम, कि पहली बात तो ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो लिख लेना था ए कॉमा बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। हम जो AMGM मेथड है ये कब लग, किन नंबर्स पे लगाएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स पे, नेगेटिव नंबर्स पे नहीं लगेगा। सोचो अगर नेगेटिव हो तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर,
क्लियर है बच्चों? तो हमारा क्या होगा, जब भी हम AMGM लगाएंगे तो वी शुड फर्स्ट मेक श्योर कि जिन नंबर्स पे मैं AMGM इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ या फिर जिन एक्सप्रेशंस पे लगा रहा हूँ वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ये तो कोई दो नंबर्स की बात, अब तीन नंबर्स के लिए भी ऐसा, हमने तो जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, तो मैं तीन नंबर्स के लिए लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/3। अच्छा चार नंबर का लिखना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी डी होल पावर 1/4। तो अब मैं को एन नंबर्स का लिखना है तो मैं जनरलाइज लिख लेता हूँ, जनरलाइज एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, और लेट्स से नंबर्स मैंने माने a1 टू an, तो मेरा क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू an होल अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट a1 a2 अप टू an इसकी होल पावर 1/n। तो ये मेरा होगा जनरलाइज। अब मैं n कुछ भी रखूँ इसमें, दो नंबर्स के लिए, तीन नंबर्स के लिए, चार, पाँच, जितना तो मैं रखना है। ठीक है? अच्छा, तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन एक दो नोट है वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात, हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चंस में कि हमें AMGM लगाना है, ये सबसे बड़ा चीज है, मतलब सब जो क्वेश्चन दिया है हम उसमें क्लिक कैसे करेगा कि हमारा AMGM मेथड लगने वाला है इसमें। एक बार पहचान में आ गया AMGM लगेगा, उसके बाद तो प्रोसीजरल है, उसके बाद कोई दिमाग खर्च नहीं करना है। दिमाग कहाँ खर्च होगा, पहले पहचानने में। तो सुनो क्या है इसका फंडा, कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट है ना क्वेश्चंस में, एक तो वो एडिशन फॉर्म में होना चाहिए प्लस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। क्या बोला मैं, जैसे मैंने लिखा, अभी एग्जांपल भी देखेंगे, एक लिखा मैंने एक्स स्क्वायर और एक लिखा एक्स और एक लिखा 4/x प्लस, लेट्स से दिस इज माय fx और मुझे इसकी, चलो इसको स्क्वायर कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको लेट्स से 16 कर लिया। ठीक है, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने क्या बोला कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ना उसमें जो जो टर्म्स बोलूंगा मैं वो क्या है, एक तो एडिशन फॉर्म में ये प्लस है, प्लस एक दूसरा जो वेरिएबल पार्ट है उसमें, उन दोनों टर्म्स में वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम दो नंबर्स का एडिशन लिखेंगे तब तो ये चीज़ आ जाएगी, बट अगर वेरिएबल पार्ट हमारा रेसिप्रोकल होगा ना तब मैं प्रोडक्ट लूंगा ना तो वो एक कॉन्स्टेंट पार्ट आ जाएगा। इस चीज़ से हिंट लगेगा कि हमारा AMGM लग रहा है। दोबारा एक बार और क्या बोला मैं, कि पहली बात तो कि जो जिस एक्सप्रेशन पे हम लगा रहे हैं वो एडिशन, वो जो एक्सप्रेशन बड़ा एक्सप्रेशन है, इट शुड बी एडिशन ऑफ स्मॉल एक्सप्रेशन, स्मॉल टू और थ्री एक्सप्रेशन, वो तो जितने नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स पे, तो मैंने बोला कि जो वेरिएबिलिटी पार्ट है वो एडिशन फॉर्म में होना चाहिए प्लस दे शुड बी, जो उसमें वेरिएबल पार्ट है उसमें जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल पार्ट के अंदर जो वेरिएबल टर्म है दैट शुड बी इन रेसिप्रोकल फॉर्म, सो दैट व्हेन आई विल मल्टीप्लाई, व्हेन आई विल टेक प्रोडक्ट, इधर मेरे को प्रोडक्ट लिखना होता है ना a into b, तो क्या होगा वेरिएबल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली हियर यू विल लेफ्ट आउट विद कांस्टेंट पार्ट। क्लियर है बच्चों? तो इसको नोट के फॉर्म में लिख लो, क्या लिखोगे, द वेरिएबल पार्ट शुड बी इन एडिशन फॉर्म, should be in addition form and the variable term should be reciprocal of each other and the variable term should be reciprocal of each other ये हो गया पहला नोट जो हमें इस मेथड में याद रखना है। दूसरा जो मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला, जस्ट इसके पहले बोला था कि हम किस पे लगाएंगे फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो लिखो बिफोर अप्लाइंग, अच्छा ऐसे लिख लो, बिफोर अप्लाइंग नंबर AMGM ऑन द नंबर्स फर्स्ट मेक श्योर बोथ आर पॉजिटिव, तो इधर लिख लो नंबर्स शुड बी पॉजिटिव, इन शॉर्ट नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं एग्जांपल भी लूँगा, कि देखो क्या हो रहा है, कि देखना ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया, ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम तो दिख रहा है इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी पे ये जीरो को जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी होगी, मैंने बोला मिनिमम वैल्यू निकालो, तो क्या होगा कि इसकी, इससे क्या करोगे तुम लोग AMGM लगाओगे,
तो चलो हम एक काम करता हूँ, वो जो थर्ड पॉइंट है ना उसको इस एग्जांपल से बताता हूँ। तो लेट्स से राइट डाउन द एग्जांपल, और ये एग्जांपल लिख लो, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। क्या लिखोगे? फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। क्या बोला मैंने? फाइंड रेंज ऑफ दिस वन, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला, अब हम एमजीएम लगाएंगे, तो ए प्लस बी बाई टू, तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 16, इसकी पावर हाफ। तो ये आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 16 इज 4, 4 टू द 8। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? एफ मिनिमम इज 8, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम करेंगे, ठीक है ना। बट मैंने नोट क्या था वो, अब मैं नोट पे आ रहा हूँ, देखना वो थर्ड नोट जो मुझे लिखना है कि हमने एफ मिनिमम 8 तो बोली, बट वो 8 किस एक्स पे आई, वो कब, वो कैसे निकालेंगे? तो फिर हमें उधर इधर समझो कि जब मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैंने क्या बोला, एफ मिनिमम मैं इक्वल टू 8 बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इधर इक्वालिटी होल्ड करा रहा हूँ। इधर इक्वालिटी मतलब इधर इक्वालिटी है, इधर इक्वालिटी है, और ये कहाँ से चली आ रही है? हमारी यहाँ से, तो यहाँ भी इक्वल टू है। तो इसका देखना, सुनना क्या बोल रहा हूँ दोबारा, इधर इक्वालिटी, ये मैंने 8 बोला, 8 आंसर जो बोला वो कब बोला? व्हेन इधर इक्वालिटी होल्ड्स। इधर इक्वालिटी मतलब ये वाला इक्वालिटी की बात चल रही है। अच्छा, ये इक्वालिटी कहां से ड्राइव होते हुए आई हमारे? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से स्टार्ट हुई है, जिसका मतलब यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है वो वैल्यू मैं बोल रहा हूं। यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है वो वैल्यू बोल रहा हूं, वो किसके करस्पॉन्डिंग है? इक्वालिटी यहां कब होल्ड करेगा? व्हेन ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है? अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम जब भी एफ मिनिमम मैक्स मैक्स बोलेंगे ना, तो हम ये देख लेंगे कि जिन दो नंबर्स पे हमने एएमजीएम लगाया है, क्या वो किसी रियल एक्स के लिए बराबर हो सकते हैं? अगर ऑप्शन मिला, आंसर मिला हाँ, तो मिनिमम वैल्यू बिंदास ये बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं, वो जिन दो नंबर्स पे मैंने एएमजीएम लगाया वो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इधर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, मैंने ये जो वैल्यू बोली दैट करस्पॉन्ड्स टू इधर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, मतलब इधर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, और इक्वालिटी इधर होल्ड कर रहा है वो कहां से आ रहा है? हमारा यहां से, मतलब यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, और यहां पे करेगा कब? मैं नंबर्स आर इक्वल, तो जो मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूं, लेट्स से मैंने मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूं दैट करस्पॉन्ड्स टू जिन दो नंबर्स में मैंने एएमजीएम लगाया वो दो नंबर बराबर है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि वो दोनों नंबर किसी एक्स के लिए बराबर हो भी सकते हैं या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? तो जिन दो नंबर से मैंने एएमजीएम लगाया इन दोनों पे उनको बराबर कर देते हैं, फिर देख लेते हैं वहां से कोई रियल एक्स मिला या नहीं। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, फिर दिस विल बी माय मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, अगर अभी भी नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करो, फिर एक्सप्लेनेशन सुनो इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि जिन दो नंबर्स पे मैंने एएमजीएम लगाया क्या वो किसी रियल एक्स के लिए बराबर हो सकते हैं या नहीं। तो इक्वेट कर दिया दोनों को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आया एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमें मिल रहा है x की रियल वैल्यू मिल रही है 2 या माइनस 2, दोनों वैल्यू, दोनों में से कोई भी वैल्यू डालो हमारे इस एक्सप्रेशन में, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 8। डाल के देख लो भले। अब चलो मैंने 2 डाला, तो 2 टू 4 और 4 इधर आएगा, तो 16 बाय 4 इज 4, तो 4 प्लस 4 इज 8, 8 आ गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अभी हम एक आध एग्जाम्पल ऐसा भी लेंगे कि इधर तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब तुम इक्वेट करोगे ना जिन दो नंबर्स पे तुमने एएमजीएम लगाया, तो हमें रियल x नहीं मिलेगा, तो फिर हम इसको मिनिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? बहुत एम्फोसाइज कर दिया, और वैसे भी मैंने ये चीज उधर भी तुम्हें एक्सप्लेन की थी सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखना, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एक बार, तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ, देखना अगेन, इस 7 से तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये 7 से तो मैं आखिरी में डील करूंगा, आई हैव टू फोकस इन दीज टू पार्ट्स। अच्छा, तो एएमजीएम कैसे क्लिक करेगा?
जो वेरिएबल पार्ट है वो एडिशन फॉर्म में, एक वेरिएबल पार्ट ये है और एक वेरिएबल पार्ट ये है, दोनों एडिशन फॉर्म में, एंड लकीली इन दोनों, ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो वी विल गेट अ कॉन्स्टेंट विच इज 8, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करूं मैं, इन दोनों में एम नियम लगा लेता हूं, किस किस पे, टेन स्क्वायर एक्स और एट कॉट स्क्वायर एक्स, सिंस द टेन एक्स एंड कॉट एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इसलिए मैं लगा पा रहा हूं। तो मैंने लिखा अप्लाइंग ए एम जी एम ऑन टेन स्क्वायर एक्स एंड एट कॉट स्क्वायर एक्स, तो लगाया तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस एट कॉट स्क्वायर एक्स। और एक चीज और, जिन एम जिन नंबर्स पे लगाते हैं हमें पहले वो भी वेरीफाई करना होता है कि वो दोनों वो नॉन नेगेटिव है ना, ना नेगेटिव तो नहीं है, दिख रहा है ये भी एक स्क्वायर टर्म है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है, हैंस बोथ आर नॉन नेगेटिव, तो लगा देते हैं। तो दिस डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स इंटू एट कॉट स्क्वायर एक्स होल पावर वन बाई टू, तो इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो इससे मेरी वैल्यू कितनी आई, टेन स्क्वायर एक्स प्लस एट कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक बार देख लेते हैं हमारे करेक्ट लिखा है या नहीं, टेन स्क्वायर एक्स एट कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन, ठीक है करेक्ट है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, टू क्यूब, टू की पावर थ्री बाई टू, तो टू इन टू रूट टू और एक इधर से टू है तो फोर रूट टू हो गया। तो इस चीज की वैल्यू हमारी क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर रूट टू, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, फोर रूट टू। क्या मैं बोल दूं तुरंत अभी, नहीं, पहले मैं कब बोलूंगा ये मिनिमम कब होती है, जब जिन दो नंबर्स पे हमने लगाया वो दो नंबर बराबर होते हैं, तो पहले मैं ये देख लेता हूँ वो दो नंबर बराबर हो भी सकते हैं या नहीं किसी रियल एक्स के लिए। तो इक्वेट किया तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एट कॉट स्क्वायर एक्स, तो इधर से कॉट स्क्वायर को नीचे टेन ले गए फिर इधर लेके गया, तो टेन की पावर फोर एक्स इज इक्वल टू एट, तो इधर से आया टेन एक्स, चलो इसको ऐसे लिख लो, टेन एक्स इज इक्वल टू एट की पावर वन बाय फोर, प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो तुम्हें टेन एक्स की वैल्यू आई एट की पावर वन बाय फोर विच इज करेक्ट। टेन एक्स की रेंज तो आर होती है, तो टेन एक्स की पावर, टेन एक्स इज इक्वल टू एट की पावर वन बाय फोर किसी ना किसी एक्स के लिए होगा हमारा, बट दिस कैन बी ऑब्टेंड, मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लो ऐसा कुछ होता, मान लो यहाँ से यहाँ साइन के कुछ टर्म होते और मान लो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा आ जाता साइन एक्स इज इक्वल टू टू, तब मैं बोलता दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू टू तो कभी होगा ही नहीं, बट इधर क्या आया मेरा टेन एक्स इज इक्वल टू एट की पावर वन बाय फोर विच इज द रियल नंबर, और मुझे पता है टेन एक्स की रेंज तो आर होती है, हैंस दिस इज ऑब्टेनेबल, इसका मतलब ये ऑब्टेनेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, एंड ये दोनों नंबर जब बराबर होंगे तब मेरी इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, फोर रूट टू। अब आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे, तो इस एक्सप्रेशन की एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये सेवन ऐड कर दिया, सेवन प्लस फोर रूट टू, दिस विल बी माई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब आते हैं मैक्स पे, तो मैक्स तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे सोचो टेन एक्स है, अगर मैंने x के पाई बाई टू लिखा, पाई बाई टू के जैसे जैसे मैं जीरो से पाई बाई टू की तरफ जा रहा हूँ, तो ये तो कांस्टेंट है, ये पाई बाई टू पे जीरो होगा, कॉस पाई बाई टू इज जीरो, और ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ, तो f मैक्स इज इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैंने बोला फॉर जीरो टू पाई बाई टू, मैं अभी देख रहा हूँ जीरो टू पाई बाई टू के बीच में क्या हुआ मेरा, ये इन्फिनिटी आ गया और ये मेरा मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मैं बोला उसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, ऑल आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट जीरो टू पाई बाई टू, तो आंसर मिलेगा हाँ दिस इज कंटिन्यूस, टेन स्क्वायर एक्स जीरो टू पाई बाई टू में कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है और सेवन तक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो जीरो टू पाई बाई टू में ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, प्लस मिनिमम ये है मैक्सिमम ये, तो ओवरऑल रेंज क्या बोलूंगा, फोर प्लस, सॉरी फोर नहीं है ये सेवन है, इधर दिस इज सेवन, सेवन प्लस फोर रूट टू कॉमा इन्फिनिटी, एक्चुअली दिस इज पीरियोडिक, ठीक है ना, इसलिए वो ग्राफ रिपीट करेगा बार बार, तो हमने जीरो टू पाई बाई टू तक एनालिसिस काफी है इसका, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स प्लस फोर cosec स्क्वायर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। चलो देखो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा,
टेन और कॉट थे और उन दोनों का रेसिप्रोक वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट लेने पे हमें क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है, वो फैक्ट मैं यूज कर लिया था और मुझे उधर से हिंट मिल गया था कि मुझे ए एम जी एम लग जाएगा। तो इसमें लेकिन sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x दे आर नॉट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है, ये 1 अपॉन sin स्क्वायर x होता है, तो अभी तो डायरेक्टली नहीं लगेगा इन दोनों नंबर्स पे एमजीएम, क्योंकि मुझे चाहिए कि उन नंबर्स पे लगाऊं सो दैट अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वेरिएबल पार्ट कैंसिल हो जाए। तो क्या किया, कुछ नहीं, इसको हमने tan और cot में कन्वर्ट कर लिया। sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस, और इसको लिख लिया 4 इनटू cosec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर x प्लस 5। अब ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस इधर से फोर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ये फोर प्लस फाइव नाइन प्लस वन टेन। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, दीज टू आर पॉजिटिव नंबर्स, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आ रहा है, हैंस अप्लाई एम जी एम ऑन हियर, अप्लाई एम जी एम ऑन टेन स्क्वायर एक्स कॉमा फोर कॉट स्क्वायर एक्स, इन दोनों पे एमजीएम लगाओ और फाइनल आंसर तुम लोग निकालो इसका, ठीक है ना। सेम है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोगों का, इसके बाद आगे तुम प्रोसीड करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करता हूँ। हाँ, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करो और तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है, मैं इसका डिस्कस करता हूँ। सुन ला, देखो क्या है कि पहले मैंने देखा वेरिएबल पार्ट, तो इधर x square है, इधर x square plus 9 है, तो अगर मैंने अभी at present इन दोनों पे AMGM लगाया तो variable part cancel नहीं होगा multiply करने पे। तो क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा चेंज लिखा, इसको लिखा x square plus 9 plus 4 upon x square plus 9 और minus 9 कर दिया, ऊपर वाली चीज ही लिखी नीचे, मतलब एक तरीके से मैंने क्या किया plus 9 and minus 9। अब मैंने इन दोनों numbers पे AMGM लगाने का सोचा, ठीक है, तो हम इस पे AMGM लगा देते हैं। हम तो AMGM लगाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन होल डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, फोर और उसकी पावर हाफ विच इज टू, तो इधर से आया ये टू उधर चला गया, तो मैं हर एक स्टेप में लिखना है अलग अलग, चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो ये हो गया फोर की पावर हाफ। अभी मैंने माइनस नाइन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया इसमें, पहले मैं इस पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा आया ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू, टू इंटू टू इज फोर। तो अब मैं क्या बोलूँ इसको मिनिमम वैल्यू, फोर को इसकी मिनिमम वैल्यू, नहीं अभी नहीं बोलूंगा, यही बच्चे लोग गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर क्या बोलेंगे, फोर इज द मिनिमम वैल्यू और फिर इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका रेंज बोलेंगे फोर टू इन्फिनिटी, बहुत से बच्चे। अब खुद सोचो एक सेकेंड, फोर से इन्फिनिटी नहीं, एक पहले ये नाइन भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, हाँ मतलब मान लो अगर इतना पार्ट दिया होता तो वो फोर से इन्फिनिटी बोलते, विच इज रॉन्ग। खुद सोचो कि ये जो नंबर है फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक पॉजिटिव, माइनस नाइन का तो भूल जाओ अभी दो मिनट के लिए, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन क्या एक पॉजिटिव नंबर है, नाइन एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, तो नाइन में अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा नॉन नेगेटिव मोर स्पेसिफिक, तो नाइन से तो बड़ी आएगी चीज, तो मिनिमम वैल्यू फोर कैसे हुई, ये क्रॉस वेरीफाई हो गया, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है अब देखते हैं, हम वो चीज जो मैं नोट के फॉर्म में थर्ड पॉइंट में बोला था, क्या कि जब हम इधर इक्वालिटी बोलते हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, नंबर्स जिन पे मैंने एएमजीएम लगाया वो इक्वल हो रहे हैं उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग इधर इक्वालिटी आती है। तो एक बार हमने देख लिया कि वो दोनों नंबर को इक्वेट करके देखा क्या रियल एक्स मिल रहा है ऐसा, तो करते हैं, तो मैंने एएमजीएम इन दोनों नंबर्स पे लगाया है, तो लिखा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तो इसको इधर लेके गया तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो इधर से आया एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो माइनस तो पहले मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू टू, तो इधर से आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन, पॉसिबल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, और फिर देखा मैंने इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू माइनस माइनस इलेवन, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स जो मैंने इक्वेट किए हैं जिन दोनों पे एएमजीएम लगाया वो बराबर कभी हो ही नहीं सकते, इसका मतलब इधर भी इक्वालिटी नहीं आएगा, इक्वालिटी नहीं आएगा, इनइक्वालिटी तो अभी भी आएगा, इसका मतलब इस ये वैल्यू फोर से तो बड़ी होगी पक्का, ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू में फोर नहीं बोल सकता इसका मतलब। अच्छा अगर नहीं बोल सकता तो मैं इसका जवाब ऐसे भी नहीं दूंगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर दी, नहीं ये बोलूंगा एएमजीएम मेथड जो है वो इधर नहीं लग पा रहा, मतलब एएमजीएम मेथड फेल्स हियर, तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं अब रब कर देता हूँ, अब हम कुछ और सोचते हैं, समझ में आया क्या हुआ, ये दोनों नंबर बराबर नहीं आ रहे, कोई एक्स रियल नहीं मिल रहा, तो एएमजीएम मेथड फेल्स।
अब क्या करें हम, तो उसको सोचते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगेन मैंने कराया हुआ है पहले तुम्हें, देखो क्या करें हम। मैंने बोल दिया सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को मैंने टी बोल दिया सो दैट कम बल्कि लगे। सब्स्टिट्यूशन में यही बोला था मैंने कि जो वेरिएबल पार्ट है अलग अलग जगह है बट सेम वेरिएबल पार्ट है, तो उस सेम वेरिएबल पार्ट एफ एक्स को टी बोल देते थे हम। फिर क्या निकालते हैं, टी की रेंज निकालते हैं। तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं टी बिलोंग्स टू क्या होगा, अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बिलोंग्स टू नाइन टू इन्फिनिटी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, नाइन टू इन्फिनिटी, नाइन टू इन्फिनिटी। अच्छा अब मेरा ये फंक्शन क्या हो गया वो देख लेते हैं। तो ये हो गया टी प्लस वन बाय टी माइनस नाइन, ठीक है। अच्छा एक चीज, तो एक चीज और डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इधर भी मैं दो मेथड से कर सकता हूँ, कैसे कैसे देखना ध्यान से। ये मेरा एफ ऑफ टी है, ठीक है ना, जिसकी मुझे रेंज निकालनी है। अब सुनना ध्यान से, एक तरीका तो क्या है, मैं वो चीज़ यूज करूँ, कौन सा फैक्ट, एडिशन ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इस उसका ग्राफ मुझे पता है, तो इसका भी ग्राफ पता, बस नाइन यूनिट्स हमने नीचे खिसका देना है। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, इसकी रेंज निकाल लेता हूँ, फिर माइनस नाइन हटा देंगे उसमें से, तो टी प्लस वन बाई टी का ग्राफ तो मुझे पता है, ऐसा होता है कुछ। तो ये तो मेरी एस एम टोट होती है, डैश डैश कर देते हैं इसको, ये ग्राफ होता है मेरा ऐसा, ठीक है। अब इसकी रेंज मैं कब देखूंगा, नाइन से इन्फिनिटी, तो नाइन तो मेरा यहाँ कहीं आएगा नाइन पे, और नाइन पे वैल्यू कितनी होगी, नाइन प्लस वन बाय नाइन एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो ये वाला ग्राफ होगा मेरा, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ डार्क कर रहा हूँ, इसके लिए रेंज क्या हो गई, नाइन प्लस वन बाय नाइन से इन्फिनिटी, खत्म। या फिर मैं इसको डेरिवेटिव वाले से भी कर सकता हूँ, कैसे देखना, ये तो क्या मेथड वन। अब मेथड टू क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव चेक किया कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक, सॉरी हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाला हमने, तो एफ डैश टी कितना आया, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, सोचो पहले। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है जब टी फ्रैक्शन हो, मुझे टी पूरी देखना ही नहीं है, मुझे तो इन वैल्यूज ऑफ टी के लिए देखना है ना, अगर टी नाइन से बड़ा डालूंगा तो डेफिनेटली वन अपॉन ये जो आएगा फ्रैक्शन आएगा, तो वन माइनस फ्रैक्शन इज अ पॉजिटिव नंबर, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ एक्स जो है मेरा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इस रेंज ऑफ टी के लिए, और दिख भी रहा है ग्राफिकली प्रूव हुआ था ये इंक्रीजिंग है, यहां से तो इंक्रीजिंग है, प्लस ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, कहीं भी ऐसा कोई भी टी नहीं है जो डिफाइन ना हो इस इंटरवल के लिए, तो कम से कम जीरो पे नहीं होता है, बट जीरो मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को इस रेंज में देखना है, तो ये कंटिन्यूस है प्लस इंक्रीजिंग है। तो अगर डोमेन अल्फा से बीटा होता है तो रेंज क्या बोलते हैं, एफ अल्फा से एफ बीटा, तो डोमेन क्या है, नाइन से इन्फिनिटी, तो रेंज क्या बोलूंगा मैं, एफ ऑफ नाइन से एफ ऑफ इन्फिनिटी, दैट्स इट। अच्छा ये इस पार्ट का बोला, नाइन को मैं बाद में इनकॉर्पोरेट करूंगा अगेन नाइन से, ठीक है। तो एफ ऑफ नाइन क्या होगा, इसमें नाइन की नाइन रखूंगा तो नाइन प्लस वन बाय नाइन, वही चीज मैं इधर बताया था, दिस इज एफ ऑफ नाइन से इन्फिनिटी, क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी, उनको टाइम देके अच्छे से सॉल्व करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैंने उधर लिया था तुम लोगों को जब ए एम जी एम पढ़ाया था, तो देखते हैं कितने लोगों को तुम लोगों को याद रहता है, ठीक है। चलो इस पे तुम्हें ए एम जी एम लगाना है, तो वीडियो पॉज करो, सोचो और मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी, सुनना। अब अगर मैं अभी देखूं वेरिएबिलिटी पार्ट एडिशन फॉर्म में तो है, ये बात तो करेक्ट है, बट क्या वेरिएबिलिटी पार्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, नहीं अभी नहीं है, क्यों, इधर तो x की पावर 4 है, इधर x स्क्वायर है, और वैसे भी क्या करेंगे हम, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया मैंने तो क्या होगा, क्या वो कांस्टेंट आएगा, नहीं, x स्क्वायर बच जाएगा न्यूमरेटर में इन दोनों के प्रोडक्ट में, तो x स्क्वायर कब नहीं बचेगा, जब मेरा एक और x स्क्वायर हो डिनोमिनेटर में, तो वो कैसे जनरेट करूं, तो उसके लिए मैं इसी को दो बार दो में ब्रेक कर लेता हूं, कैसे, 9 / x स्क्वायर और 9 / x स्क्वायर, तो मैंने लिखा इसी एक्सप्रेशन को, आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर पावर 4 प्लस 9 / x स्क्वायर प्लस 9 / x स्क्वायर प्लस 7, खैर ये 7 का तो कोई रोल ही नहीं है, आखिरी में रोल है। अच्छा अब मैंने बोला इंस्टेड ऑफ ऑन टू नंबर्स आई एम अप्लाइंग एएमजीएम ऑन दीस थ्री नंबर्स,
और किस्मत से इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, किस्मत से मतलब बनाया है मैंने ऑफकोर्स, तो एक्स वेरिएबल पार्ट कैंसिल हो जाएगा अगर प्रोडक्ट लूंगा, वही मेरी रिक्वायरमेंट होती है एमजी में। तो क्या किया, अप्लाइंग एम जी एम ऑन थ्री नंबर्स एक्स की पावर 4 कॉमा 9 बाय एक्स स्क्वायर कॉमा 9 बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स की पावर 4 प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा 81 इसकी पावर 1 बाय 3। ठीक है, तो इससे मेरी एक्स की पावर 4 प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर 9 बाय एक्स स्क्वायर 18 बाय एक्स स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 81 की पावर 1 बाय 3। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 की पावर में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 की पावर 4 बाय 3 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और 3 की पावर 4 बाय 3 की पावर 7 बाय 3 हो जाएगा टोटल, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ अभी। तो ये क्या मैं इसकी इसकी मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, मिनिमम इज 3 इंटू 81 की पावर 1 बाय 3? नहीं, अभी नहीं बोल सकता, उसके लिए उसको बोलने के लिए मुझे क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि जिन तीनों नंबर्स में मैंने एएमजीएम लगाया है क्या वो तीनों नंबर्स किसी रियल एक्स के लिए बराबर हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो सेम ही चीज लिखी है, तो ये दोनों तो हमेशा ही बराबर है, मैं इन दोनों को और चेक कर लेता हूँ। मैंने साइड में ले जाके किया, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 9 बाय एक्स स्क्वायर, तो इधर से आया एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 9, इधर से एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 1 बाय 6, तो एक रियल नंबर आ गया एक्स, इस एक्स पे मेरे ये तीनों नंबर्स बराबर होंगे, hence I can see कि मिनिमम वैल्यू इज दिस। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तो दिख रहा है ये इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी डालूंगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ, और कंटिन्यूस है ही, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहीं डायरेक्टली, फंक्शन कंटिन्यूस है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू ये है, ये तीनों को क्लब करके आई कैन से रेंज इज क्लोज इंटरवल 3 इंटू 81 की पावर 1 बाय 3 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, मीन्स मतलब इवन इन एडवांस यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन माने जाएंगे ये, क्योंकि इधर से यही स्टेप क्लिक करना मेन पार्ट है, उसके बाद तो प्रोसीजरल है। ठीक है ना, 80% वेटेज आता है इस स्टेप को, 20% रिमेनिंग पार्ट, ऑल्दो टाइम टेकिंग 80% नीचे वाला होगा, 20% ऊपर वाला, बट वेटेज वाइज ऊपर वाला पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर वेटेज। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है, अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस तुम लोगों को दे देता हूँ रेंज पे, और मिक्स एग्जांपल होंगे जो भी अभी तक हमने सीखे मेथड्स, सब तुम्हें सबके बारे में सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। ठीक है ना, और इजी होंगे, ऐसा भी नहीं टफ होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैं होमवर्क क्वेश्चन कुछ लिख देता हूं। और तो हमारा रेंज का थियरी पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमें रेंज नहीं पढ़ना है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। तो मैं अब होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं तुम लोगों को, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम अच्छे से टाइम देके इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं देने वाला हूँ इसको अच्छे से सॉल्व करना। चलो होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी रेंज निकालनी है। सेकेंड इज y इज इक्वल टू mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 for x less than equals to 3 greater than equals to minus 1, इस value range of x के लिए तुम्हें इसका range निकालना है, इस value of x के लिए। थर्ड वन, fx is equal to cos square x plus sin की पावर 4x। फोर्थ पार्ट, देखो जिसमें मैंने डोमेन कर्टेन नहीं किया उसका मतलब तुम्हें उसका डोमेन निकाल के उस डोमेन में वेरीफाई करना पड़ेगा रेंज। ठीक है ना, कुछ अगर कर्टेल किया है तो उसी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए तुम्हें रेंज निकालना है। अच्छा, फोर्थ वन, अब देखना ये जो बाहर बना रहा हूं, दिस इज जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज किया, इसका आंसर निकाला। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, दिस इज गुड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। आगे हम इसका डिस्कशन और भी करने वाले हैं, ठीक है ना, पीरियोडिसिटी में, बट अभी के लिए तुम्हें विदाउट दैट पार्ट यू हैव टू सॉल्व दिस। देन फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स सी
एक्स माइनस थ्री। देखो इस टाइप का क्वेश्चन का हमने पहले डोमेन निकाला था, अब मुझे रेंज निकालना है, तो जो डोमेन आएगा वही एक्स इसमें रख दूंगा मैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वाई की वैल्यू हो जाएगी, मतलब एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, उसका सेट क्या हो जाएगा मेरा रेंज। ठीक है, उसके बाद सिक्स वन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। चलो सेवेंथ वन, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर मॉड एक्स डिवाइड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मॉड एक्स। और जैसा कि मैंने बोला है, हर बार बोलते आ रहा हूँ कि डोमेन तो बहुत आसान होता है, रेंज में तुम्हें सोचना पड़ेगा, उतना आसान नहीं होगा डोमेन जितना। डोमेन को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, बट रेंज में दिमाग लगता है, रेंज में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डोमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एट वन, एट वन हमने डोमेन के लिए किया था, आखिरी क्वेश्चन था हमारा उधर। अब तुम्हें इसका रेंज निकालना है, मैंने हिंट दे दिया है प्रीवियसली, हमने इसको डिस्कस भी किया है। कॉस इनवर्स जी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा है, दिस इज जी आई एफ। ठीक है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन अपॉन साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज जी आई एफ एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर टेंथ वन, देन कम्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। फिर इलेवेंथ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, फिर आएगा दोबारा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, फिर दोबारा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, और ऐसे चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी। ठीक है ना, दिस इज माई एफ एक्स, इसका तुम्हें रेंज निकालना है। उसके बाद ट्वेल्थ वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने लेक्चर में लिया है तुम लोगों को, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, इसका रेंज निकालना है फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस सिक्स से सिक्स, इन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इसका रेंज निकालना है। और लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत दिमाग लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ, बहुत तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ दिमाग लगेगा, दिस इज जी आई एफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, इसका रेंज निकालना है। ठीक है ना, ये दोनों जी आई एफ है, इधर भी और इधर भी जी आई एफ। ठीक है, तो बस इतना काफी, 13 क्वेश्चन है होमवर्क के, और टाइम देके करना, क्योंकि अभी हमने, इसलिए मैंने एक लास्ट में एक साथ लिखवा रहा हूँ, 13 क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, तो अभी तक जितने भी हमने मेथड सीखे सारे तुम्हारे रिकॉल हो जाएंगे, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अभी एक बार रिवाइज करना है तो जस्ट एक बार नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद अटेम्प्ट करना। ठीक है ना, बट अटेम्प्ट ऐसे करना, एक ही सीट कोशिश करना, एक ही सीटिंग में सारे करो। ठीक है ना, चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।